एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखड़े के शादी को लेकर के सवाल उठ रहे हैं और आप सभी को पता होगा कि इसमें जो है अब बात बहुत आगे तक चली गई है और इसमें बहुत तरीके की दावे हो रहे हैं। और एक दावा यह है कि समीर वानखड़े ने पहले बतौर मुस्लिम धर्म के अनुसार से शादी किया है और उसके कुछ सालों बाद उन्होंने जो है बतौर हिंदू धर्म के रीति रिवाज से शादी की है। तो क्या ये सच्चाई है? क्या समीर वानखड़े ने सच में दो दो शादी की है? ये सबसे बड़ा सवाल है। और अगर उन्होंने दो शादी की भी है तो क्या पहले वाले जो उनकी शादी थी वो मुस्लिम रीति रिवाजों से, यानी कि जो इस्लामिक धर्म है उसके रीति रिवाजों से हुई थी, और जो दूसरी शादी है क्या वो हिंदू रीति रिवाज से हुई है? तो ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि अगर हुई है तो एक ही व्यक्ति दो दो धर्म के अनुसार से दो अलग अलग लड़की के साथ कैसे शादी कर सकता है? ये कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। और इसके लिए हमने बहुत सारे डाटा को खंगाला, हमने बहुत सारे सर्च किए, बहुत सारे इसके बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश की, और उसके बाद जो हमें मुख्य तौर पर पता चला, अगर हम सोशल मीडिया की बात को माने, अगर हम गूगल की बात को माने, और अगर हम जो डाटा हमारे सामने आते हैं उसको माने, तो ये बात बिल्कुल सच है कि समीर वानखड़े जो कि जोनल डायरेक्टर है एनसीबी के, उन्होंने दो दो शादी की है। आप लोग अपने स्क्रीन पर लगातार तस्वीर देख पा रहे होंगे जिसमें समीर वानखड़े आप लोगों को दो अलग अलग लड़की के साथ जो है दो अलग अलग धर्म के रीति रिवाज के साथ शादी करते हुए नजर आ रहे हैं। और आप लोगों को पता ही होगा कि आज जो मौलाना भी सामने आ गए हैं जिन्होंने कथित रूप से समीर वानखड़े के इस्लामिक धर्म के अनुसार, यानी कि मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार से जो है शादी करवाई थी, और उस मौलाना का दावा है कि उन्होंने ही समीर वानखड़े का निकाह करवाया था उस समय पर। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो जांच का विषय है, लेकिन अगर जो डाटा हमारे सामने निकल के आ रहा है उसको अगर हम खंगालेंगे तो उसके अनुसार से जो समीर वानखड़े की पहले पत्नी थी जिसने मुसलमान रीति रिवाज के साथ शादी की थी, यानी कि इस्लामिक धर्म के अनुसार शादी की थी, उस लड़की का नाम है, यानी कि समीर वानखड़े की पहले पत्नी की नाम की अगर हम बात करें तो उनके पहले पत्नी की नाम है सबाना कुरैशी। जी हाँ, सबाना कुरैशी उनकी पहले पत्नी का नाम बताया जा रहा है, यानी कि जो एनसीबी के जोनल डायरेक्टर है समीर वानखड़े, उनके जो पहली पत्नी है उनका नाम सबाना कुरैशी बताया जा रहा है। और सबाना कुरैशी और समीर वानखड़े की जो शादी हुई थी इस्लामिक धर्म के अनुसार, उसकी तस्वीरें, उसकी जानकारी आप लोग सोशल मीडिया पर, गूगल पर आसानी से ढूंढ पाओगे। वहीं अगर हम बात करें समीर वानखड़े की जो दूसरी शादी है जो कि अभी भी उनके साथ, उनकी बीवी के तौर पर उनके साथ रह रही है, उनकी अगर हम नाम की बात करें तो उनकी नाम जो है बताई जा रही है क्रांति रेडकर। जी हाँ, क्रांति रेडकर जो कि दूसरी वाइफ है समीर वानखड़े की, और अभी जिनके साथ वो फिलहाल संबंध में है, उनकी नाम जो है क्रांति रेडकर बताई जा रही है, जो कि एक अभिनेत्री भी है, और वो लगातार इस मामले में समीर वानखड़े के समर्थन में अपना पक्ष भी रख रहे हैं, और उनके रिश्ते पर जिस तरीके के सवाल उठाए जा रहे हैं उसको जवाब भी दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं समीर वानखड़े की दो शादी हुई है, इस तरीके की डाटा अगर आप लोग खंगालेंगे तो आप लोगों को भी मिल जाएगी आसानी से। और उसमें अगर हम बात करें तो आप लोगों को मैंने नाम भी बताया कि पहले पत्नी का नाम क्या था, दूसरे पत्नी का नाम क्या है, और कहीं ना कहीं जो समीर वानखड़े हैं जोनल डायरेक्टर एनसीबी के, उन्होंने अपने पहले पत्नी को छोड़ दिया जो कि पेशे से डॉक्टर थी, और कहीं ना कहीं उन दोनों को संबंध नहीं आगे बढ़ा, जिसके बाद समीर वानखड़े ने ये दूसरी शादी की है। इस तरीके की डाटा आप लोगों को आसानी से मिल जाएगी। लेकिन सवाल ये बड़ा नहीं है कि समीर वानखड़े ने कितने शादी की है, सवाल ये है कि आखिर उन्होंने दो धर्मों के अनुसार किस तरीके से शादी किया है, पहले मुसलमान फिर हिंदू। तो क्या ये वास्तव में सच्चाई है कि पहले समीर वानखड़े जो है मुस्लिम, यानी कि इस्लामिक धर्म के अनुसार से शादी की थी, वो इस्लामिक धर्म को मानते थे, और उसके बाद वो जो है हिंदू धर्म को अपना लिया है, हिंदू धर्म के अनुसार से उन्होंने शादी की है, जिसकी तस्वीर आप लगातार देख पा रहे होंगे। और कहीं ना कहीं जो महाराष्ट्र के मंत्री हैं नवाब मलिक, वो भी यही सवाल उठा रहे हैं, और उनका कहना है कि जो ये कहीं ना कहीं पूरा खेल है वो जाति का खेल है, और जिस प्रकार से समीर वानखड़े ने ये अपनी नौकरी ली है, अपनी पोस्ट ली है, वो भी कहीं ना कहीं गैरकानूनी है, क्योंकि दलित के कोटे पर समीर वानखड़े जो है अभी फिलहाल ड्यूटी पर है। लेकिन अगर हम बात करें तो समीर वानखड़े के बारे में जो नवाब मलिक है उनका कहना है कि जो समीर वानखड़े है उनका असली नाम समीर
दाऊद वानखड़े है, तो कहीं ना कहीं अब समीर वानखड़े की शादी और उसके बाद धर्म को लेकर के बवाल मचा हुआ है। तो इस वीडियो के मकसद से हम आप लोगों को बता दूं कि एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि समीर वानखड़े की दो शादी हुई है, क्योंकि उसकी तस्वीर भी आप लोग अपने स्क्रीन पर लगातार देख पा रहे होंगे और उसके बारे में डिटेल्स भी आप लोगों को सोशल मीडिया पर मिल जाएगी। लेकिन जो ये धर्म वाला सवाल है, ये कहीं ना कहीं बहुत ही पेचीदा है और आने वाले समय में इस पर भी उनके द्वारा यानी कि समीर वानखड़े के द्वारा, उनके परिवार के द्वारा जो है इस पर बोला जाएगा, इस पर अपना पक्ष रखा जाएगा। हालांकि उनके पिताजी ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि वो हिंदू थे, उनके पिताजी भी हिंदू थे, उनके पिताजी के पिताजी भी हिंदू थे और कहीं ना कहीं वो सभी के सभी पूरा उनका जो कुल खानदान है वो हिंदू है। इसमें कोई जो है मुस्लिम का सवाल ही पैदा नहीं होता है कि वो इस्लामिक थे, वो हमेशा से ही हिंदू रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनके पिताजी के द्वारा जरूर स्पष्टीकरण दिया गया है, लेकिन फिर भी जो सवाल है वो बहुत गंभीर है, क्योंकि नवाब मलिक ने तो समीर वानखड़े की कथित जन्म पत्री यानी कि जो बर्थ सर्टिफिकेट होता है उसको भी जारी करके दिखाया था कि किस तरीके से उनके बर्थ सर्टिफिकेट पर समीर दाऊद वानखड़े लिखा हुआ है। तो ये तमाम सवाल है जो कि अभी भी बरकरार है, लेकिन इस पर जैसे ही स्पष्टता आएगी हम आप लोगों को जरूर देंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट के जरिए जरूर दें। नमस्कार, धन्यवाद।